सफलता हमें मिल रही है, लेकिन वो दिन नहीं मिलने में अपेक्षित होनी चाहिए। इस समय आप प्रदेश का जो TFR है, जो दर है, जो हमारे शहरों की दर है, वो हमारे देश के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्र का जो हमारी दर है वो ज़्यादा है। तो हमें अभी ग्रामीण क्षेत्र काम करना है और भी देखना है, जो यहाँ पर महिला शिक्षित है और जो महिला हमारी इंटर से और बेटी सिंपल शिक्षित है, उनका परिवार अपना में सीमित है, उन्हें दिक्कत आ रही है जहाँ महिलाएँ हाई स्कूल या उससे कम शिक्षा प्रदान कर रही है। शिक्षा आपका बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। दूसरा आपका आर्थिक विकास, जो परिवार की सफल परिवार है उनके परिवार भी सदा सीमित है। आशा बहु का प्रयोग आप कितना सफल मानते हैं, अपने कार्य में कितना सफल हुई आशा बहु योजना? आशा बहु योजना 2005 में लागू हुई थी और योजना अभी भी चल रही है और अपने आप में सफल है। किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि आशाएं काम नहीं कर रही हैं, अपने आप से काम कर रही हैं और जो काम नहीं कर रही है उनको हम समय सफल निकालते रहते हैं। परिवार कल्याण विभाग, ये मीडिया कार्यशाला जो आप पूरे देश में पूरे उत्तर प्रदेश में मीडिया अपेक्षा है कि इस हमारे विभाग को समाचार को बिछाते रहे और आप जो संपादक महोदय हैं अपने संपादकीय टिप्पणी लिखते रहे, इसके बारे इसके सहारे हमारा कार्यक्रम जन जन में। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क परिवार नियोजन के संसाधन उपलब्ध है हर किसी के लिए, क्या आप कह सकते हैं कि नीचे लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वहाँ चीज़ें लोगों को मिल रही हैं? अगर मिल रही तो लोग क्यों नहीं प्रेरित होते हैं ज़्यादा वहाँ जाने? नहीं, निश्चित रूप से प्रेरित होते हैं और जाते भी हैं, सवाल ले भी रहे हैं। और जो हमारे कुछ कपूर होते हैं नीचे करते हैं वहाँ पर आशाएँ उन्हें घर पहुँचाती हैं और जब शिक्षा हमारी बढ़ेगी तो भागीदारी बढ़ेगी। की जो बात है, इसीलिए सेंटर ऑफ जो एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स है, मतलब कि वो जो अब बहुत जगह खुल रही है और लखनऊ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारे यहाँ खुला हुआ है उसकी बात करें, बाकी बलरामपुर हॉस्पिटल में भी एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर द एडोलेसेंट, जहाँ पे कि कोई भी एडोलेसेंट जाता है या तो वहाँ पे सब उसको बोलते हैं एडोलेसेंट हेल्थ सेंट्रली क्लिनिक। दैट मीन्स कि कोई आया है तो उसको प्रॉपर ट्रीट करें और उसका ट्रीटमेंट दें, क्योंकि जो जनरल हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव मतलब 11 साल से लेकर के 45 साल 60 साल तक की महिलाओं को एक जगह हम कैटर कर रहे हैं, वहाँ पे हम ये शायद फैसिलिटी नहीं दे पाए। वो दोनों तरफ से है क्योंकि डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं है और इतना ओवरवर्क है और फ्रेंडली नहीं है एडोलेसेंट, तो इसके लिए एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक चल रही है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी वजह है? आप एक आज जैसे मीडिया का एक आपने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करा के, क्या इसके बजाय आप उसको घर घर जा करके या आशा बहुओं के जा करके उस तरह की उस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं करते? फिर सबसे बड़ी बात यह है, एक मिनट मैडम, मैं जो हकीकत है मैं उसको बयान कर रहा हूं। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप सारी चीजें तो कह देते हो हिंदू कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जहां अल्लाह की देन आ जाती है वहां कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? आपकी बातें सब सही हैं, लेकिन इसमें दो चार बातें हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। पहले तो पहली बात तो आपके MTP वाले को कह दिया गया है कि सुबह की जाती है। अभी तक हमारे यहाँ MTP एक्ट नहीं आया था, तो MTP एक्ट आ गया है। MTP एक्ट में जो एबॉर्शन है वो कानून रूप से पैद है, उसके लिए कंडीशन है। ये हम एक आपके लिए इसके बाद आपकी तो, लेकिन एक निश्चित है कि 12 हफ्ते तक का बच्चा होगा तो उसको आसानी से जब बात कराया जा सकता है। उसके ऊपर के लिए भी एक कंडीशन ली है, 20 हफ्ते तक अगर दो लोगों का ओपिनियन होगा तो उसके बाद वो कराया जा सकता है। तो एक तो हम लोग इसके लिए काफ़ी कोशिश हो रही है, हर सरकारी चिकित्सालय में हम लोग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो लोग आसानी से बहुत अच्छी तरीके से जब बात करते हैं। दूसरे जो आपका सवाल था, हम लोग आशा बहुओं को लाए इसलिए, आशा बहुओं का जो
में शुरुआत की गई और इसीलिए उसी कम्युनिटी के उसी एरिया के आशा होनी चाहिए, बहू होनी चाहिए, हर परिवार को जाना चाहिए जिससे कि उन लोगों से बात कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी में बच्चे हैं, हमारे घर में जो काम करती हैं मेरे भी हैं काम करने वाली हैं, आप खुद जानते होंगे क्या भी छह से सात साल बच्चे होते हैं। यानी कि जितने लोग बढ़ते हैं अपने अपने आबादी में लोग बढ़ते भी रहते हैं पैदा भी होते हैं, तो अगर एक परिवार के एवरेज आप दो बच्चे मात्र कर रहे हैं तो बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट लेवल तो संतुलन बना रहेगा। हम ये भी नहीं चाहते कि आबादी को कम हो जाए, पर हम ये भी नहीं चाहते कि आबादी बहुत ज़्यादा जो हम लोग को पछाने हैं। नहीं, सरकारी स्कूल का सपोर्ट कर रहे हैं करते हैं, बाकी लोग भी हैं मतलब, एंड जैसे कि हम हैं टर्शियरी केयर सेंटर पे बैठे हैं, अगर कोई आएगा तो हम बिल्कुल उसको नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि बैरियर पहुँचते नहीं है, और क्योंकि छुपा करके मतलब कि रखने वाले के अगर एडोलेसेंट की बात करें तो क्या होता है उसको आसान मतलब कोई आसान तरीका ढूंढा जाता है कि जहाँ मतलब कि शॉप से जाओ दवाई मिल जाए और हम इसको यूज़ कर दें और हमारा काम हो जाए।